लखनऊ में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार चुका है। रोजाना 36 नए मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए लखनऊ के ज्यादातर अस्पतालों में डेंगू वार्ड भी फुल हो चुके हैं। ऐसे में डेंगू से बचाव के लिए लोग दवाओं से ज्यादा पपीते का जूस, नारियल का पानी और बकरी का दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अंधाधुंध इस्तेमाल है। इन्हें लगातार पीने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लोग इनका सेवन कर रहे हैं। आखिर क्या है सही तरीका नारियल का पानी, बकरी का दूध और पपीते का जूस लेने का, यही जानते हैं डॉक्टर। लेकिन अगर डेंगू किसी को हो गया तो उसका तो हमारे आयुर्वेद में तो बहुत विशेष उपचार तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग ये जरूर बताते हैं कि पपीते के पत्ते का रस का सेवन करें, लेकिन मात्रा का जरूर ध्यान रखें। मात्रा सिर्फ 5 ml सुबह और 5 ml शाम को हो। जनरली क्या होता है कि हम लोगों ने बताया कि पपीते के पत्ते का सेवन करें तो लोग क्या करते हैं कि पपीते के पत्ते का रस बना के दिन भर पीते रहते हैं, यही गलत है, जिससे उनके पेट में दिक्कत हो जाती है, वॉमिटिंग होने लगती है, लूज मोशन होने लगता है। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक औषधियों को समझने के लिए, जानने के लिए, उनको लेने से पहले उनका मात्रा का जरूर ध्यान रखें। लोग स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की उपयोगिता बहुत है, बस हम इस बात पे फोकस करेंगे कि लोग उसको मात्रा अनुसार लें। ऐसा ना हो कि मात्रा हमने बताया 10-20 ml काढ़ा तो लोग दिन भर पीने लगे। अगर लोग दिन भर काढ़ा ऐसे पीते रहेंगे तो लूज मोशन कर ही देगा, लीवर डैमेज कर देगा। मेरे आयुर्वेद में गिलोय घनवटी का बड़ा महत्व है। गिलोय का लोग काढ़ा बना के पीते हैं, हमारे यहाँ गिलोय चूर्ण बट रहा है। मार्केट में या ऐसे औषधालयों में गिलोय बटी मिलती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम मात्रा हम लोग बताते हैं, 2 गोली सुबह खाइए, 2 गोली शाम को खाइए। लेकिन वही अगर गिलोय बटी कोई 2-2 गोली 4-4 गोली दिन भर खाता रहेगा तो नुकसान करेगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम मान लीजिए पैरासीटामॉल भी अगर कोई बताता है खाने के लिए कि 500 mg 3 बार खाना है, कोई 3 गोली 3 बार खाए, 4 गोली 3 बार खाए तो लीवर डैमेज हो जाएगा। तो किसी भी पैथी में या किसी भी विधा में उसको अगर मात्रा अनुसार कोई दवा लिया जाए तो नुकसान नहीं करती है। सर, जैसे बकरी का दूध को लेकर के एक मिथ भी आप बात कर रहे थे, देखिए मैं तो ये कहूँगा दूध कोई भी गलत नहीं है, चाहे बकरी का दूध हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध है, ठीक है। लेकिन उसको अगर अति आवश्यक कोई आवश्यकता से अधिक अगर कोई उसको लेता है, मान लीजिए किसी को बताया कि एक बकरी का दूध आप 15 ml सुबह 15 ml शाम को पीजिए, लेकिन वो जाके 2 लीटर 1 लीटर या बार बार पी रहा है, मात्रा से अधिक पी रहा है तो नुकसान करेगा, लूज मोशन हो जाएगा। नेचुरल चीज़ें हैं, नारियल पानी अगर कोई जनरली अगर मेडिसिन की तरह लेता है तब तो फायदा करेगा, लेकिन वो खाने की तरह लेने लगा, बार बार लेने लगा और आवश्यकता से अधिक लेने लगा तो निश्चित तौर पर वो नुकसान करेगा। साथ में लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।